बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 39 है, क्लास 9th के लिए। वही चैप्टर चल रहा है हमारा, बल तथा गति के नियम। तो आज हम लोग गति का पहला नियम करेंगे। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है कि चलती बस में ब्रेक लगने पर हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है। आपने सबने ये महसूस किया होगा कभी ना कभी, अगर आप बस में बैठे हैं तो इसमें है, हमें न्यूटन की गति के पहले नियम से इसका हमें आंसर मिलेगा। इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं और हिंदी में इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था का या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। मतलब जो चीज़ जहाँ पर है ना, वो वहीं बने रहना पसंद करती है। मतलब जैसे अगर वो रुकी हुई है तो उसकी अवस्था रुकी हुई रहना वो पसंद करेगी, अगर वो चल रही है तो वो गति में रहना पसंद करेगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, अगर उसके ऊपर बाहरी कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए तो वो अपनी जगह पे ही रहेगी। आपको देखिए, जैसे आपके पास एक कॉपी रखी है, जब तक आप उसको मूवमेंट नहीं दोगे, गति नहीं दोगे, तो वो अपनी जगह में ही रहेगी। ठीक है, तो इसे जड़त्व का पहला नियम कहते हैं। किसी भी वस्तु का या वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वह जड़त्व कहलाता है। ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो विरोध करता है किस चीज का, कि भाई मुझे अपने जगह से नहीं हिलना या मुझे अपना नहीं रुकना, तो उसको कहते हैं जड़त्व। ओके, चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं। ये आपको पता है कि अगर बस चल रही है तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज इन द मोशन, हर बंदा चल रहा है, गतिशील अवस्था में है। लेकिन अगर अचानक ब्रेक लग जाती है तो उससे क्या होता है, उससे बस तो रुक जाती है लेकिन हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग है वो गतिशील अवस्था में ही होता है। ओके, वह बस में ब्रेक लगने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। तो मतलब हमारी जो बॉडी है वो तो अभी मूवमेंट में है लेकिन बस रुक गई, जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो क्या होता है, सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। क्यों? यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई लेकिन जो हमारी बॉडी थी वो विरामावस्था में ही रही, जिसकी वजह से हम लोगों को झटका पीछे की तरफ महसूस होता है। राइट, अब है प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब उसको परिवर्तन पसंद नहीं है, रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है। राइट, तो वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जो जिस पोजीशन में है उसी में रहना चाहता है। तो दूसरी बात, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व के माप है। मतलब द्रव्यमान क्या होता है, भार। जो कोई भी वस्तु का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वेट है, वो उसके इनर्शिया की, उसके जड़त्व का मान है। कैसे? देखो, जो भारी वस्तु है, जैसे अगर सपोज बस हो गई, ठीक है, और हल्की वस्तु जैसे साइकिल हो गई, तो भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की अपेक्षा ज्यादा होगा। ओके, जिसे हिलाने के लिए, क्यों? क्योंकि उसको हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी ना। ठीक, अच्छा, फिर है कि न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं। पहला है पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां झड़ना, ये भी जड़त्व का नियम है। ठीक है, आपने पेड़ को जोर से हिलाया, ठीक है, तो उसकी पत्तियां जो नीचे गिरी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों को आगे की तरफ झटका लगना या पीछे की तरफ झटका लगना, जो मैंने भी आपको बताया। ओके, तीसरा है कालीन जो होता है, जो कारपेट होता है, उसमें मिट्टी होती है, तो मम्मी क्या करती है, उसको सोटे से या किसी डंडे से मारती है तो धूल बाहर आ जाती है। ठीक, ओके, तो ये भी उसका एग्जाम्पल हो गया। फिर प्लेट में कप को रखने के लिए उसका खांचा बनाना, ठीक, फिर मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा ठोकना, तो ये सारे के सारे जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं, जड़त्व के। ओके, चलो आज के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो जड़त्व जो है, जैसे मैंने बताया कि जड़त्व जो है वो ये है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था से नहीं बदलना चाहती अपने आप को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व। ओके, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, गति के पहले नियम को उदाहरण सहित लिखिए। तो गति का पहला नियम ये रहा जो हमने यहाँ पे करा, कि गति का पहला नियम ये है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, तो इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रुकी हुई बस से के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करती हैं? तो ऑब्वियसली पीछे की तरफ झटका महसूस होता है, क्योंकि बस तो गतिशील हो गई लेकिन सवारियों के शरीर विरामावस्था में ही रहे, जिसकी वजह से हमें झटका मिला। ओके, फिर है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, कार या बस का? अब इन दोनों में बड़ी चीज कौन सी है? बस, इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ऑब्वियसली बस का। साइकिल एवं मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का। ठेला गाड़ी एवं रेलगाड़ी का, तो ऑब्वियसली रेलगाड़ी का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू नो दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर डे।